बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हम फ्यूचर नाम के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एंटार्क्टिका में वेडिंग डेस्टिनेशन खोलना चाहता है और इसी कारण से वो एंटार्क्टिका जा रहा है। फ्लाइट में उसके साथ एक साइंटिस्ट भी होती है जिसका नाम रूई है। वो अरोरा लाइट्स पर रिसर्च करना चाहती है जो अक्सर रात में एंटार्क्टिका के आकाश में दिखाई देती है। फ्यूचर हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, अपनी तारीफ करता है, दरअसल वो हमेशा बड़बड़ करता रहता है। रूई उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, बहुत कम बोलती है। फ्लाइट में इनके साथ एक रशियन रिसर्चर भी है, पर इससे पहले कि ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते इनका प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाता है। पायलट हवा में उड़ जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और अब इनका प्लेन क्रैश हो चुका है। कुछ देर के बाद फ्यूचर को होश आता है जो कि प्लेन से बाहर होता है और जल्दी से प्लेन के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि रशियन साइंटिस्ट बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वो किसी तरह से उसे बाहर लाता है और अब वो एक बार फिर से अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि रूई का पैर लोहे की चीज के नीचे दबा हुआ है। ये देखकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन नीचे की बर्फ टूट रही होती है और अगर बर्फ टूट गई तो ये पूरा का पूरा प्लेन बर्फ के अंदर पानी में समा जाएगा जिससे इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए फ्यूचर रूई को अंदर ही छोड़कर अपना सामान लेकर बाहर आ जाता है लेकिन बाहर आने के बाद उसके दिल में गिल्ट आता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता इसीलिए अपनी जान पर खेलकर वो अंदर जाता है और किसी तरह से रूई को बाहर निकाल कर ले आता है और ठीक उसी वक्त बर्फ टूट जाती है जिससे प्लेन पूरी तरह से पानी में समा जाता है। अभी दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं जहां पर ये देखते हैं कि रशियन रिसर्चर की मृत्यु हो चुकी है। वहीं रूई का पैर भी जख्मी है इसीलिए चलने की हालत में नहीं होती। फ्यूचर इन दोनों को कैरी करके पास में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर ये शेल्टर ले सके। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा एवलांच आता है। रूई फ्यूचर को जल्दी से जमीन के अंदर गड्ढा करने को कहती है जिसके बाद ये उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। फ्यूचर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रूई उसे कहती है कि तुम ही हो जिसने आज चलने की जिद की थी, अगर तुम एक दो दिन रुक जाते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और फ्यूचर बर्फ से बाहर निकलकर पहाड़ की चोटी पर मोबाइल के सिग्नल को चेक करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता, वहां पर कोई सिग्नल नहीं है। कुछ ही दूरी पर फ्यूचर को एक घर दिखता है। ये दोनों मिलकर रशियन रिसर्चर को वहीं बर्फ में दफना कर उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन फ्यूचर रूई को उठाकर चल नहीं पाता और अचानक से नीचे गिर जाता है जिस वजह से रूई बेहोश हो जाती है क्योंकि पहले उसका पैर जख्मी था और दर्द ना सहने की वजह से वो बेहोश हो गई है। पर फ्यूचर हार नहीं मानता, किसी तरह से वो उसे उठाकर उस घर तक ले आता है। जब रूई को होश आता है वो फ्यूचर को बताती है कि गिरने के कारण मेरे पैर की हड्डी मुड़ चुकी है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे सीधा करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी। ये सुनने के बाद फ्यूचर उसके पैर की हड्डी किसी तरह से सीधी कर देता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो बाहर जाकर देखता है जहां पर एक जनरेटर होता है। फ्यूचर उसे ऑन कर देता है जिससे घर के अंदर लाइट आ जाती है, साथ ही हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पर खाने पीने का बहुत सारा सामान होता है। रूई उनकी एक्सपायरी डेट देखते हुए उसे पता चलता है कि 2 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग रुकने के लिए आए थे और उन्हीं का ये सामान है। साथ ही ये भी अंदाजा लगाती है कि यहाँ से अरोरा स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर किसी तरह से दोनों के दोनों वहां तक पहुंच जाए तो इनकी जान बच जाएगी। ये सुनकर फ्यूचर खुश हो जाता है पर रूई उसे बताती है कि हमें डिस्टेंस तो पता है पर ये नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर जाना है। साथ ही रूई से हिसाब लगाकर ये भी बताती है कि जनरेटर को अगर हम हर दिन 8 घंटे के हिसाब से चलाएंगे तो हमारे पास 75 दिन है। 75 दिन तक हम फ्यूल को जनरेटर को यूज कर सकते हैं, उसके बाद ठंड से हमारी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी, यानी कि 75 दिनों में हमें सही जगह पहुँचना होगा। इन्हें यहाँ पर 3 दिन बीत चुके हैं और 4th दिन फ्यूचर नॉर्थ की डायरेक्शन से शुरुआत करता है। 3 दिन और बीत जाते हैं लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता, इन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलती। रूई उसे बताती है कि बर्फ में उसके चलने की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी लेकिन उसे अगर कुछ न मिले तो जल्दी वापस आ जाए, नहीं तो वो खो जाएगा या वापस नहीं पहुंच पाएगा। अब इसी तरह से इन्हें यहाँ पर 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन इन्हें अब तक सही डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चला। 11वें दिन फ्यूचर तय करता है कि वो ईस्ट की तरफ जाएगा। अगले 7 दिनों तक वो ईस्ट की तरफ ट्राई करता है लेकिन अब भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। साथ ही इनका खाना भी खत्म हो गया है, इसीलिए फ्यूचर अब फिशिंग करने के लिए जाता है।
फिश एक ऐसी चीज है जो इन्हें यहाँ पर खाने के रूप में मिल सकती है। और जब वो फिश पकड़कर वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक से नीचे की जमीन बर्फ टूट जाती है, वो अंदर गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। वो ये देखकर हैरान होता है कि आखिर वो कहाँ पहुंच गया। उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश भी करता है, पर अब वो यहाँ पर फंस चुका है। अगले 2 दिनों तक वो यहीं पर रहता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत नजदीक आ चुका है। वो किसी कीमत पर यहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन तभी उसे रूई का ख्याल आता है। वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकता, मुझे किसी भी कीमत पर रूई तक पहुँचना होगा, उसे बचाना होगा। इसीलिए वो पतली से पतली गुफा से होता हुआ गुजरता है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें रूई को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने की वजह से खुद ही क्रॉल करते हुए जनरेटर की तरफ जाती है ताकि वो जनरेटर को ऑन करें और हीटर ऑन हो जाए। बहुत मुश्किल से वो आगे जाती है, लेकिन अब वो जनरेटर को ऑन नहीं कर पाती। ठंड बहुत ज्यादा है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो अपनी नस काट लेती है। वहीं फ्यूचर किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जल्दी वो वापस आता है, पर वो देखता है कि वहां पर रूई नहीं होती। जब वो जनरेटर के पास जाता है तो रूई उसे मिल जाती है, जिसकी सांसें अब भी चल रही होती है। वो उसे अंदर लाता है, साथ ही उसके पास जो फिश होती है वो उसका सूप बनाकर रूई को पिलाता है। साथ ही वो रूई से कहता है कि आज के बाद कभी ऐसा मत करना, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे। अगले दिन फ्यूचर वापस से मदद खोजने के लिए निकलता है और अब तक इन्हें यहाँ पर 34 दिन बीत चुके हैं और रोज बर्फीली हवा में खुली आंखों से चलने के कारण उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। हालांकि वो घर के पास है, लेकिन उसे नहीं दिख रहा होता कि उसे किस तरफ जाना है। इसीलिए वो जोर जोर से रूई को आवाज लगाता है। रूई उसकी आवाज सुन लेती है, गेट के पास आती है, वो भी उसे आवाज लगाती है और फ्यूचर उसकी आवाज के संकेत से घर तक पहुंच जाता है। अंदर आने के बाद वो रोने लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रूई उसे बताती है कि ज्यादा ठंड के कारण ऐसा हुआ है, 2-3 दिनों में तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जल्दी उसकी आंखें ठीक हो जाती है और अब रूई उसे आंखों में बांधने के लिए कपड़ा देती है। फ्यूचर इस बार बर्फ में अच्छे से देख पाता है और जब वो कुछ दूरी तय करता है तभी नीचे की बर्फ टूट जाती है, पानी में गिर जाता है। उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ उसकी हिम्मत टूटी रही होती है कि तभी वहां से बहुत सारे पेंगुइन गुजरते हैं और उनका पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है। हालांकि वो बाहर तो निकल चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसके अंदर हिम्मत नहीं बची। साथ ही बर्फीला तूफान भी चल रहा होता है, पर फ्यूचर किसी तरह से पूरी हिम्मत से रूई के पास वापस लौट आता है। लेकिन आते ही वो ठंड के कारण बेहोश हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी जम रही होती है और अब रूई के पास कोई रास्ता नहीं होता। उसे अपनी बॉडी की हीट उसे देनी होगी। जब उसे सुबह होश आता है तो देखता है कि रूई उसके साथ है। कहीं ना कहीं वो रूई को अब पसंद करता है, इसीलिए रूई को अपने पास देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब जब ये दोनों के दोनों अंदर होते हैं तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है जो सुनकर ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, पर ये देखते हैं कि बाहर एक पेंगुइन है, वही अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। फ्यूचर को लगता है कि खाना खुद चलकर इनके पास आया है, पर रूई उसे मारने से मना कर देती है। और अब इन्हें यहाँ पर 48 दिन बीत चुके हैं। रूई जो फ्यूचर को पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब वो उस पर ट्रस्ट करने लगी है। साथ ही फ्यूचर जो पहले हमेशा पैसों के बारे में सोचता था, वो एक अमीर खुदगर्ज इंसान था, अब मौत के इतने नजदीक जाने के बाद उसे जिंदगी की असली कीमत का पता चल गया है। फ्यूचर रूई का मन बहलाने के लिए उसे स्लेज की मदद से बाहर ले जाता है। ऐसे एक दिन उन्हें एक मीटोराइट मिलता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ये चीज बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती लग रही होती है। पर इन्हें पता चलता है कि ये कोई मीटोराइट नहीं बल्कि ह्यूमन वेस्ट है, जिससे ये आइडिया लगाते हैं कि अगर फ्यूचर इस डायरेक्शन में जाएगा तो जरूर किसी शेल्टर तक पहुंच जाएगा। पर तभी रूई की नाक से खून निकलने लगता है, जिससे फ्यूचर डर जाता है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। बताती है कि मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे मेरे दांत टूटेंगे, उसके बाद और भी ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और किसी तरह से अरोरा स्टेशन को ढूंढकर अपनी जान बचा लो। पर फ्यूचर उसकी बात नहीं मानता। फ्यूचर उसे उठाकर चेयर पर बिठाता है और कहता है कि चाहे मैं अमीर रहूं या गरीब, चाहे तुम अच्छी हो या बीमार, चाहे तुम कुछ काम कर पाओ या नहीं, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा और इस दुनिया के अंत तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। ये सुनकर रूई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फ्यूचर उसे बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था,
पर अब मुझे दूसरों की जिंदगी की वैल्यू समझ आ गई है। अगली सुबह एक बार फिर से फ्यूचर अरोरा स्टेशन की खोज में निकलता है, लेकिन इस बार रुई उसे वापस आने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस बार वापस मत आना, तुम अपनी जान बचाओ और इस जगह से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी जान चली जाए, पर फ्यूचर उसकी बात नहीं मानता और शाम तक वापस आ जाता है। और फ्यूचर लगातार इसी तरह से कोशिश करता रहता है और एक दिन दूर से कुछ हलचल नजर आती है। दरअसल वही अरोरा स्टेशन है, जो देखकर फ्यूचर बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से वहां पर जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो उन्हें बताता है कि पीछे एक लड़की है, हमें उसकी जान बचानी होगी, उसे रेस्क्यू करना होगा। और अब फ्यूचर उनके साथ रुई को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जल्दी एक गाड़ी से उस घर के पास पहुंच जाते हैं जिसमें रुई है, पर इससे पहले कि घर के अंदर जाते वहां पर इन्हें एक बहुत बड़ा एवलांस दिखता है जो घर की तरफ आ रहा होता है। इसीलिए इन्हें अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है और वो एवलांस उसी घर पर गिरता है जिसके अंदर रुई है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर फ्यूचर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अरोरा स्टेशन पर होता है, जहां पर उसे रुई की बहुत याद आती है। उसके पास रुई की एक डायरी भी होती है और अब वो स्नो बाइक लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर वो रुई के साथ रहा करता था। वहां पर अब वो घर नहीं है क्योंकि एवलॉन से वो टूट चुका है। वो रुई को वहां पर ढूंढना शुरू कर देता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि रुई उसे मिल जाती है, जो अब भी जिंदा होती है। रुई को वापस पाकर वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि रुई से वो बहुत प्यार करता है। साथ ही अब ये अपने घर भी लौट सकते हैं, यानी कि इन दोनों की जान बच चुकी है। तभी आसमान में अरोरा लाइट्स को देखते हैं, जो देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।